राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप जी के साथ हरियाणा प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक हुई। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विधानसभा के चुनाव आने हैं उस चुनाव को लेकर गहन चर्चा की गई। हरियाणा के अंदर हमने जनसंवाद शुरू कर दिया है। हरियाणा के हर एक गांव में, शहर के हर वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी की टीम जा रही है, लोगों से संवाद कर रही है, वहां की जो समस्याओं की जानकारी ले रही है, उनको कैसे हल कर सकते हैं उसके उपाय सोचे जा रहे हैं। दिल्ली और पंजाब के बेहतरीन काम उनको बताए जा रहे हैं कि किस प्रकार हम हरियाणा के भ्रष्टाचार को खत्म करें, किस प्रकार हरियाणा की शिक्षा अच्छी हो, कैसे दिल्ली और पंजाब की तरह फ्री बिजली मिले, फ्री पानी मिले, बच्चों को रोजगार मिले, नशा खत्म हो, इन सभी मुद्दों पे वहां चर्चा हो रही है। हमने तय किया है कि लोकसभा वाइज हमारी रैलियां होंगी और रैलियों के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग भी जाएंगे, हरियाणा के सारे लीडरशिप वहां पे चलेगी और उसको मजबूती से हम काम करेंगे। इसके साथ साथ विधानसभा वाइज और जिला वाइज भी हमारे अलग से बैठकें इसमें सुनिश्चित हो गई है। जिला वाइज संदीप पाठक जी भी खुद जाएंगे और हर जिले के अंदर बैठ के हर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के चर्चा करेंगे। इस चुनाव को मजबूती से लड़ने की हमारी पूरी तैयारी की आज एक लंबी बैठक हुई, घंटों ये बैठक चली और इस बैठक के अंदर हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हमारे सारे उपाध्यक्ष, हमारे सारे संगठन मंत्री, हमारे कोषाध्यक्ष सभी सम्मिलित हुए और सबने अपने अपने विचार रखे। उन विचारों का जब आदान प्रदान हुआ तो बहुत से अच्छी बातें निकलकर सामने आई ताकि हरियाणा को बदला जा सके। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, प्रदेश के कार्यकारिणी ने तय किया है कि हम हर बूथ को मजबूत करेंगे, हर विधानसभा को मजबूत करेंगे और पूरी तैयारी हर विधानसभा की हम करेंगे। ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है, परंतु हरियाणा प्रदेश की पूरी तरह सक्षम है हर विधानसभा पे चुनाव लड़ने के लिए और अपनी पूरी तैयारी के अंदर लड़ने। हरियाणा इकाई 90 के 90 विधानसभा पे पूरी तैयारी करेगी, हर बूथ पे पूरी तैयारी करेगी। अब चूंकि 90 दिन बचे हैं और हरियाणा का चुनाव बिल्कुल सामने है, तो आज स्टेट कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सभी वाइस प्रेसिडेंट, संगठन मंत्री, सारे पदाधिकारी मौजूद थे और एक बहुत डिटेल्ड चर्चा हुई कि किस किस तरीके के कैंपेन आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए करेंगे, कैसे एक एक बूथ को मजबूत करने का काम करेंगे, एक एक बूथ पे बूथ योद्धा तैयार करेंगे ताकि अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को मानने वाले, उनसे सहमति रखने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट किया जा सके चुनाव के समय। उसके ऊपर बहुत डिटेल्ड चर्चा हुई है, अलग अलग तरह के कई सारे कैंपेन्स के ऊपर कि कैसे कौन सा कैंपेन किस समय पे चलाया जाएगा उसकी चर्चा हुई। लोकसभा वाइज आने वाले समय में रैलियां प्लान की गई हैं हरियाणा के अंदर, जिसमें सारी सीनियर लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व होगा, सुनीता केजरीवाल जी भी, मान साहब भी, सारे लोग उन रैलियों को अटेंड करेंगे, वहां पे आएंगे और हरियाणा के लोगों तक, एक एक जन जन तक, एक एक गांव तक वो संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा है और जो वो दिल्ली और पंजाब के अंदर अच्छे काम करके दिखा चुके हैं, वो सारी बातें लोगों तक पहुंचाएंगे और पूरी ताकत के साथ आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल पार्टी का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी अपनी खुद की मजबूत टीम तैयार करने जा रही है। हम पूरी ताकत, पूरी जान लगा के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा के अंदर आम आदमी का राज स्थापित